नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुबिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर JGP और BSP का गठबंधन हो चुका है और सीटों का बंटवारा कुछ ऐसा हुआ है कि 50 पर JGP तो वही 40 पर BSP चुनाव लड़ेगी। तो 90 सीटों का जो बंटवारा है वो दोनों पार्टियों के बीच हो चुका है। इस दौरान JGP नेता दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐलान इसका किया है और कहा है कि जो BJP ने 75 पार का नारा दिया है उसको हम तोड़ेंगे। इसके साथ ही 25 सितंबर को कहा जा रहा है कि JGP और BSP एक साझा रैली करेगी और देवीलाल के जन्मदिवस पर ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें BSP नेता सतीश मिश्र भी आपको बता दें इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। तो कोशिश यहां पर की जा रही है कि BJP को तोड़ा जाए, उसको खोखला कर दिया जाए, लेकिन ये देखना होगा कि ये जो कोशिश की जा रही है इन पार्टियों की तरफ से, क्या वो कामयाब हो पाएगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी आशिमा यहां पर हैं। आशिमा, इस जो ये गठबंधन हुआ है 40 और 50 का, इसको किस तरह से देखती है? जरूरत है BJP को रोकना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे आपने बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ही पार्टी के नेताओं ने ये साफ किया कि BJP को सत्ता से दूर रखने के लिए फिलहाल ये जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पिछले चुनावों के दौरान, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो जिस तरह की स्थिति इन पार्टियों की रही है, क्योंकि इससे पहले जननायक जनता पार्टी की जो गठजोड़ था वो आम आदमी पार्टी से था, लेकिन अब जिस तरह से बसपा के साथ किया है, पहले इनेलो के साथ थी बसपा, तो इतना जो है वो नुकसान BJP को नहीं पहुंचा पाई थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उसके बिहाव पर अगर देखा जाए तो देखना ये होगा, क्योंकि सेन मारने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन मेरा व्यक्तित्व विचार जो है वो ये कह रखता है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं BJP को रोक पाएगी। यानी कि सीधे तौर पर कह सकते हैं दावा जो किया जा रहा है उस दावे में अभी तक कोई दम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन अनु हमारे साथ यहाँ पर मेरी सहयोगी एक और जुड़ गई है। अनु, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देखते हैं चुनाव जब भी होते हैं तो गठबंधन ऐसे होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो छोटी पार्टियां हैं वो वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन बड़ी पार्टी BJP को लेकर यहाँ पर दावा किया जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या असर होगा पार्टियों पर? जैसा अभी धारा 370 को लेकर के मोदी सरकार का जो फैसला है उसका कहीं ना कहीं मतलब विधानसभा चुनाव पे भी उसका असर पड़ेगा, और इसी को रोकने के लिए BJP के क्या कह सकते हैं उसको औरा को रोकने के लिए ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, अब गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि विधानसभा 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसको मतलब BJP को रोकने के लिए ये गठबंधन किया जा रहा है, लेकिन उतना असर नहीं पड़ सकता। कि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि गठबंधन का असर BJP पे कोई पड़ेगा। बिल्कुल, रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दौरान आपको ये भी जानकारी दे दें कि JGP ने हालांकि पहले ही कहा था कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ने का मादा यहाँ पर रखती है, तो उसे गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इस वक्त पर जरूरत पड़ गई और गठबंधन BSP के साथ यहाँ पर कर लिया है। देखना होगा कि जिस तरह से गठबंधन हुआ है वो आगे किस तरह से बढ़ता है और BJP को किस तरह से रोक पाता है। R9 TV के लिए मैं ऋतुबिष्ट, और ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए R9 TV के साथ।